नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। नमस्कार मेरे बच्चों। बेटा आज हम अपनी इस वीडियो में, जैसा कि आज संडे का दिन है तो आज ये संडे बूस्टर आपका चल रहा है, सुबह के टाइम पर भी हमने आपका जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है 2020 के लिए, 2021 के एग्जाम के लिए, उसका सॉल्यूशन हमने आपको अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अपनी इस वाली वीडियो में पार्ट बी का हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसमें हमने पार्ट ए का सॉल्यूशन पढ़ा था, 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 36 तक के क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, मजे कीजिए। और किस प्रकार से सैंपल पेपर को हमें सॉल्व करना है, किस प्रकार से सैंपल पेपर को हमको सॉल्व करना है, देखिए, क्योंकि मैंने यहां पर जो पेपर को सॉल्व किया है वो अकॉर्डिंग द मार्किंग स्कीम किया है, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। तो कि भाई कितना हम यदि किसी क्वेश्चन को करके आते हैं, कभी कभी अपने माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई मैं तो पूरा क्वेश्चन करके आया था लेकिन मेरे तो इतने नंबर आ गए, तो कहां कहां हमसे स्टेप सॉर्ट आउट हो सकते हैं, स्टेप हमसे कहां कहां छूटते हैं, पूरा क्वेश्चन का पेपर का सेटअप किस प्रकार से किया जाता है, आंसर हमें किस प्रकार से देने होते हैं, ये बहुत जरूरी है। और कितना हम करके आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइंड में फिर वही कंफ्यूजन बना रहता है एग्जाम से आने के बाद, अरे यार मैं तो पूरा क्वेश्चन करके आया था लेकिन मेरे तो इतने नंबर आए। तो वो आपका कंफ्यूजन ना रहे, हमें किस प्रकार से पेपर को सबमिट करना है अपने को, ये हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरुआत करते हैं फटाफट के अंदाज में। थ्री बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। आपको इसको कराने से पहले मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अभी ये तो हम केवल जो सीबीएसई ने जारी किया है वो वाला सैंपल पेपर है, क्योंकि इस बार जो केस स्टडी है, एक नया मैटर जो जुड़ा है ना, वो भी बहुत जरूरी है और पेपर का पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो हमने आपके लिए कई सारे और सैंपल पेपर्स बनाए हैं, केस स्टडी बेस पर भी बनाए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वीक में 2 दिन या फिर 4 दिन हमारी क्लास आपको सैंपल पेपर्स की रहे, या फिर संडे के संडे देखेंगे, जैसा भी सिस्टम बनेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले सैंपल पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए देखिए, थ्री बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। ऑल थ्री बेल्स रिंग एट 6 AM। वेयर विल थ्री बेल्स रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो आगे अब तीनों बेल्स कितनी बार बजेंगी, 6 AM पर स्टेट एक साथ बजी थी और वो किस इंटरवल पर बज रही है, 4, 7, 14। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने अर्लियर क्लासेज में भी किए हुए हैं। सबसे पहला क्या करना है, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे भाई, 4, 7 और 14 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, 4, 7 और 14 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करके देखिए हमारा कितना आ गया यहाँ पर, ये एलसीएम हमारा 28 मिनट्स आ गया। आप मेरे पेन के साथ में रहिए, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है ऐसे आप चलते रहिएगा। तो 28 मिनट्स आ गया। तो 6 AM पर सबसे पहले बजी थी, तो अब दोबारा में एक साथ कितने टाइम पर बेल लगेगी, 6, 28 AM पर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो आपको इसमें मुझे मार्किंग स्कीम समझानी है। तो हमने जैसे 4 लिखा, 4 के प्राइम फैक्टर हाफ नंबर का हो गया, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 7 के प्राइम फैक्टर हाफ के हो गए।
14 के प्राइम फैक्टर हाफ के हो गए और इनका जो एलसीएम निकालना है वो हमारा हाफ का हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन, तो हाफ में तो ये हमारे देखिए इनके ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, हाफ हाफ में एलसीएम निकालना हो गया, फिर ये टाइम आ गया, फिर लास्ट में आंसर को समअप करना, ये हाफ मार्क्स का हो जाता है। आंसर को सही तरीके से समअप करना भी उसका भी हाफ मार्क्स होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम क्या सपोज करते हैं, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो होंगे, वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा वाई होंगे। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है, चाहे इसमें आ रहा है, चाहे सेक्शन फॉर्मूला में आ रहा है, या डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है, वहां कभी कभी सेक्शन में भी आ जाता है। तो लेट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, ए एंड बी आर ये टू पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से कंटिन्यूअसली यानी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। आप इसका फिगर इस टाइप से बना सकते हो कि ये कोई पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया है एक्स वाई, हालांकि मुझे केवल इसमें आपको केवल और केवल इसका मार्किंग स्कीम बतानी है। और देखिए सैंपल पेपर का वीडियो पढ़ने का सबसे ज्यादा इजी तरीका क्या है मेरे बच्चों, सैंपल पेपर का वीडियो पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे अभी ये तो खैर बोर्ड का सैंपल पेपर है आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना, आपके पास में ये अवेलेबल है। आगे से हम क्या करेंगे, अपनी एक या दो स्लाइड में आपको पूरा पूरा पिक भेज दिया करेंगे सैंपल पेपर का। तो वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है, या तो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास में सैंपल पेपर को, हम जो आपको सैंपल पेपर देंगे अपना हैंडमेड बना हुआ अपने हाथ का बना हुआ, उसको जो है नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा, तो आप कुछ हाय हेलो लिख करके हमें भेज दीजिए कि सर मेरा ये नंबर है, मैं आपका जो सैंपल पेपर है वो अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर चाहता हूं, तो हम आपको उसका पिक भी भेज दिया करेंगे आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर। उसको आप नोट करके और जब आप उसको करने के लिए बैठे या फिर हमारा जो नोटिफिकेशन वीडियो का हो आप उससे पहले यदि उसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आपने कर लिया, फिर आप वीडियो से उसके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर कर लेंगे, तो जो भी आपको प्रोसेस अच्छी लगती हो आप उस प्रोसेस से वीडियो के माध्यम से सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना समझ सकते हो। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा बेटर प्रोसेस यही है कि आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास सेक्शन से हूँ, इस जगह से हूँ, ठीक है, आप मुझे अपना जो सैंपल पेपर की वीडियो लाइव होने वाली है उसका आप मुझको जो है पिक भेज दीजिए, तो मैं आपको उसका पिक भेज दूंगा उस सैंपल पेपर का। तो बेटर प्रोसेस क्या रहेगी कि आपके पास में उसका क्लिक होगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे, तो प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए और वीडियो से आप उसका डिस्कशन कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर प्रोसेस मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए पीए इक्वल टू पीबी, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये इक्विडिस्टेंस है, क्या है ये इक्विडिस्टेंट है ए से भी और बी से भी, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वन आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस का वन आ गया, ठीक है ना, तो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो। अब देखिए इसका और वाला पार्ट, अब आपको करना क्या होता है, हम ज्यादातर देखते हैं जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि मैं 21-22 साल से बोर्ड की कॉपियों को चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें होता क्या है कि बच्चे और वाले पार्ट्स को दोनों को कराते हैं, इसको भी करे आए इसको भी करे आए, ना बाबा ना, ये ना करना आपको। आपको जैसे मान लो ये 22 का फर्स्ट वाला पार्ट है तो आप सीधे 22 ही डाल दीजिए, अभी आपको इसका और वाला पार्ट करना है तो क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 22 और पार्ट, और पार्ट, और नीचे फिर उसका सीधे सीधे क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, कहीं डायग्राम बनना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सीधे सीधे डायग्राम मारिए खींच करके और फिर उसको कैलकुलेशन करना है। देखिए ये पूरी प्रोसेस जो मैं कर रहा हूं, ये जिस प्रकार से टॉपर्स की कॉपी होती है ना, ये वो सीट है आपके पास, ये मान लीजिए ये क्या है आपके पास में, एक टॉपर की सीट है, आपको ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करके बोर्ड की कॉपी में आना है, ये इसका आपको बेनिफिट यहां मिलेगा।
वीडियो से समझने का कि किस प्रकार से हमें अपनी कॉपी को मैनेज भी करना है भाई, ठीक है ना। टाइम मैनेज होता है, कॉपी मैनेज होती है। बोर्ड के एग्जाम में आप एक कॉपी फिल करिए, ज्यादा कॉपी का प्रयास ही नहीं करिए, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। देखिए पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर टू पॉइंट्स, ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इक्वल्स टू डबल ऑफ क्यू आर, यानी जो पी आर की वैल्यू है क्यू आर का डबल है, तो यानी ये अगर वन है तो ये वाला टू है, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, पी आर और क्यू आर का रेशियो 2:1 हो गया। कितना हो गया भैया, तो आपके पास रेशियो आ गया, ये पॉइंट हो गए, इनको हम x1 by 1, x2 by 2 कह देते हैं, और r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। कैलकुलेशन यहां पर है, आप कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर आप यहां से देख लीजिएगा आंसर को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हु जीरो जार दिस एंड दिस। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए क्या क्या चाहिए भैया, सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, हमने दोनों का सम कर लिया, ये देखिए हाफ मार्क का सम हो गया, हाफ मार्क का प्रोडक्ट हो गया, और वन मार्क्स का इसका इक्वेशन सेटअप करना हो गया। तो इस प्रकार से ये जो टू मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हाफ मार्क्स का इसका सम हो गया, हाफ मार्क्स का इसका आपका प्रोडक्ट हो गया, वन मार्क्स में आपको इसका आंसर सम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन कट गया है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो कट गया है, केवल और केवल कॉमन टेंजेंट्स वाला रह गया है, तो बस वही रहेगा, तो या तो वो 2 में आएगा या फिर 3 में आएगा, 5 मार्क्स का तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस साल, यहाँ 2 में दिया है सैंपल पेपर में सीबीएसई के में, तो फिर 2 का ही वो रहेगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ये हमने 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो ज्यादा समझने के लिए क्या है इसके, मैंने यहाँ पर इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए है आपको समझने के लिए, बाकी का कंस्ट्रक्शन का फिगर ऐसा बनेगा, आप यहाँ इसको मैच कर सकते हो। ए एंड बी एज सेंटर ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। देखिए बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी है उतने का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ए को सेंटर लेकर के 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, बी को सेंटर लेकर के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को ड्रॉ करेगा, अब उस ये पॉइंट हमने सी सपोज कर लिया, सी को सेंटर लेकर के एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो ए और बी इसकी रेडियस होंगी, सी ए और सी बी को लेकर के जिन जिन पॉइंट पर ये कट करेंगे दोनों सर्कल्स को, उनके सेंटर से इनकी टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर देंगे, लैंग्वेज हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इफ टेन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin A प्लस 1/cos A। तो टेन ए इक्वल टू ये है, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बना करके क्या बना लेंगे भैया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है ना, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा 10, तो ये 3x, मैंने बताया था ना कॉन्स्टेंट लेकर के चलना है, क्योंकि रेशियो होता है डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, 3/4 है, तो 3k/4k। अब देखिए मैं यहां ज्यादा कैलकुलेशन को डिफाइन नहीं करूंगा, पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। अब देखिए 1/sin इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपोटेनस आप यहां से पाइथागोरस करके निकाल ही लेंगे। अब इसकी मार्किंग क्या क्या होनी है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए हाफ मार्क्स में तो ये वैल्यू निकालना हो गया, यहां तक हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना हाफ मार्क्स में, हाफ में साइन ए की वैल्यू हो गई, कॉस ए की वैल्यू हो गई, वन एंड हाफ मार्क्स का हो गया, और हाफ मार्क्स में इसकी कैलकुलेशन हो गई, ऐसे करके 2 मार्क्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 मार्क्स का। अब इसका और वाला पार्ट देख लीजिए, 3√3 sin θ − cos θ = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको इसमें मेन चीज समझनी क्या है, इसका जो मार्किंग है, इसकी मार्किंग किस प्रकार से होनी है वो आपको समझनी है, मेन काम इसकी मार्किंग समझने का है।
जो कुछ सारा काम है आपको इसकी मार्किंग समझने का काम है, जो भी है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी मार्किंग स्कीम क्या होनी है भाई, रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना इक्वल टू जीरो, तो रूट थ्री साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू इतना आ गया। तो देखो इसका जो सब्स्टिट्यूशन कर दिया हाफ मार्क्स का हो गया, टेन थीटा की वैल्यू निकाल करके हाफ मार्क्स का हो गया, बाकी का ये कंडीशन हो गई फिर वन मार्क्स में, तो थीटा की वैल्यू आ गई। ओके अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा टू मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 26 भी टू मार्क्स का है, तो इसकी भी हमें एक बार मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे यहां से, आप देख भी लेंगे क्वेश्चन को तो आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलिए इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ एडी परपेंडिकुलर एबी इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें इसकी साइड डीसी 12 दे रखी है, बीसी 38 दे रखा है, एक्स हमको फाइंड आउट करना है, डीए परपेंडिकुलर दिया हुआ है एबी पर, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आसानी से हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो ये जो बीसी है ये पूरा कितने का है 38 का, बीसी पूरा 38 का है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। चलिए देखिए एंगल ओपीए, एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओएसए, ओएसए तो ये यहां इसको मैं ओपी को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये भी 90 का हो गया और ये 90 का हो ही गया, क्योंकि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, तो ये पूरा हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अब इसकी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये हमारा क्या बन गया भैया, स्क्वायर भी बन गया, तो ये जो एपी है ये कितने का हो गया, एक्स का हो गया, एपी हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, क्लियर हो गया ना, एपी हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की प्रत्येक साइड इक्वल है, तो एपी इक्वल एएसके हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सीआर इक्वल टू सीक्यू, सीआर इक्वल टू सीक्यू ये 20 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक देखिए सीक्यू तक ये सीक्यू 27 का हो गया है, ये सीक्यू यहां तक है ना, ये 27 का हो गया, ये पूरा 38 का है, तो BQ कितने का हो गया, 11 का, जितने का BQ है उतने का BP है। अब AP हमारा 10 का आ गया, BP हमारा 11 आ गया, BP हमारा 11 आ गया, तो पूरा AB यानी X की वैल्यू कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर हो गया। इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए किस प्रकार से, कहां इसकी मार्किंग स्कीम है, एंगल की वैल्यू तक निकालना हाफ मार्क्स में हो गया, इतना करेंगे तो हाफ हो गया, ये वैल्यू निकाल लेंगे इसकी BQ की और दोनों को प्लस करके हाफ मार्क्स में इसका सब हो गया। तो आपको जो समझना है वो इसकी मार्किंग स्कीम को समझना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, दिया हुआ है रूट 3 इरेशनल नंबर, या रूट 3 को इरेशनल ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, तो आपको बस केवल यही प्रूफ करना है। आप देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो लेट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रेशनल सपोज कर लेंगे जहां पर ए और बी दोनों को प्राइम होने चाहिए, अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने यहां से रूट 3 की वैल्यू निकाल ली। आप ये पूरी लैंग्वेज लिखना है, इसको आप समझ लीजिए लैंग्वेज लिखने का मार्क्स। देखिए इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, इसको सपोज करना ही हाफ मार्क्स का हो गया, ये वैल्यू निकालना ये वन मार्क्स की वैल्यू हो गई, रूट 3 की वैल्यू तक का वन मार्क्स का हो गया, तो डेढ़ नंबर हो गया यहां से वन एंड हाफ। फिर ये वन एंड हाफ की ये पूरी लैंग्वेज है भैया, तो लैंग्वेज को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, ये ध्यान में रख लो किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी होती है, ये आपको यह समझने की बात है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर वी गेट 2b माइनस ए अपॉन बी इज इरेशनल एंड सो रूट 3 इज रेशनल, बट रूट 3 इज रेशनल नंबर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, विच कॉन्ट्रेडिक्ट आवर स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर।
इस प्रकार से पूरी लैंग्वेज को लिखना ये बहुत जरूरी है, ये पूरी लैंग्वेज को, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब देखिए, अब यहां से आगे क्या कंडीशन है भैया इसकी, क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि अब हम 3 मार्क्स वाले में प्रवेश कर गए ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप एक बार समझ लीजिए भैया, ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कहां गया यार, 28, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ पी निकालनी है और दूसरा रूट भी निकालना है। देखो इसकी मार्किंग, इसकी पी एक्स की, क्योंकि 2/3 इसका एक रूट है, तो एक्स के प्लेस पर आप 2/√3 पुट कर देंगे और यहां से पी की वैल्यू तक निकालना 1.5 का हो गया। कितने का हो गया? 1.5 का हो रहा है। देखिए हाफ हाफ में इसकी 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए। पी की वैल्यू निकालना, फिर पी की वैल्यू डाल करके ये इक्वेशन बना दिया, ये हाफ मार्क्स का हो गया। तो यानी कितने नंबर हो गए आपके इक्वेशन बनाने तक? 2 मार्क्स हो गए। अब इसको कैलकुलेट करके इसके जीरोज निकालना, ये 1 मार्क्स का हो गया। हाफ मार्क्स में इसकी कैलकुलेशन हो गए, फैक्टर्स करना, और हाफ मार्क्स में इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका हमारा जो है कितने का हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो है टोटल 3 मार्क्स का हो गया। अब इसका और वाला पार्ट भी आप समझ लीजिए, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है भैया? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमने आपको पहले भी लिखाया है कि भाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, देखिए मैंने यहां लिख देता हूं मैं ब्लैंक प्लेस पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हमको जैसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, लेकिन अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इन द अकॉर्डिंग द क्वेश्चन एंड इन द टर्म ऑफ की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना हाफ मार्क्स का हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना हाफ मार्क्स का हो गया। अल्फा माइनस बीटा हमको इक्वल टू में गिवन में दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे आप अल्फा प्लस बीटा का और वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये इसका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हमको दिया हुआ है, हमने आपके लिए हेल्प के लिए कि भाई किस प्रकार से कितना क्वेश्चन करना है, किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कैसे होना है और इसकी मार्किंग स्कीम क्या कहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई साल बोर्ड के एग्जाम में ये आया है, इस साल जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ये पहले बोर्ड एग्जाम्स में कई साल आया है। कभी कभी क्या होता है कि सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी कई सारे बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए सीबीएसई जो सैंपल पेपर प्रोवाइड कराती है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चों,
इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का देखिए यहां तो ये वाला शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। कभी ये इनको छोड़ करके इस सेमी सर्कल्स जो बने हुए इनको छोड़ करके कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं का ही पूछ लेता है सेमी सर्कल्स का ये वाला ब्लैंक स्पेस होता है ठीक है ना। तो देखिए एरिया ऑफ वन सेगमेंट एक सेगमेंट का एरिया अगर हमको निकालना है तो हम जैसे इसको यहां डिवाइडेशन कर देते हैं ये एक आप लाइन इसमें कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ कर लीजिएगा ठीक है ना। तो देखिए अब एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया यहां पर सेक्टर तो हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो अदरवाइज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल क्योंकि इसकी साइड प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की दे रखी है स्क्वायर की साइड 14 हो गई तो सेमी सर्कल की जो साइड है रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी भैया है ना। तो पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा ये निकालेंगे सेगमेंट का एरिया। अब एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स इसमें सेगमेंट 1 कितने रहे हमारे टोटल 8 सेगमेंट बनेंगे कितने सेगमेंट बनेंगे 8 सेगमेंट बनेंगे ठीक है ना। तो 8 सेगमेंट्स के एरिया के लिए 8 का उसमें इनटू कर देंगे तो ये 8 सेगमेंट का एरिया आ गया। हमसे पूछ रहा है शेडेड रीजन का तो क्या करेंगे पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो 8 सेगमेंट हमारे बने हैं उनके एरिया को हम माइनस कर देंगे ठीक है। क्योंकि ये जो प्रत्येक पेटल है इसको आप देखिए ये यहाँ इसमें 4 पेटल है ये मैंने अभी जैसे डिवाइड किया ना ये 4 पेटल है तो ये हमारी जो चारों पेटल्स हैं ये इस टाइप से आप इसको अब एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है बन रहे नहीं बन रहे तो ऐसे करके प्रत्येक पेटल में और आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। तो देखो ये क्वाड्रेंट के लिए इसका ऐसे ही इस वाले के लिए इसका तो इसको पूरा इस टाइप से आप समझ सकते हो ये इसकी समझने की प्रोसेस है क्या है ये इसके समझने की प्रोसेस है इस क्वेश्चन को। तो 8 सेगमेंट बनना है तो आपको केवल एक सेगमेंट का एरिया निकालना है क्योंकि 7 का हो गया ना इसीलिए हमने आर की वैल्यू 7 ली हुई है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब आप क्वेश्चन नंबर 30 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 फाइंड द लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल 3 मार्क्स का है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ये उस एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है ठीक है। चलिए देखिए हम पहले वाले पार्ट का यहां मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक बार आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। पेरीमीटर सेम है तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाता है ये दिया हुआ है 3 × 3 तो डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर ये पूछ रहा था करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल एक साइड दी हुई है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा। जब हमने ट्रायंगल वाला वीडियो कराया है तो उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली स्पेशली इसको फोकस करके हमने आपको समझाया है तो आप वहां से भी इसको समझ सकती हैं भैया ठीक है। मार्किंग स्कीम आपको देखनी है सबसे मेन काम ये है यहाँ किस प्रकार से हम कितना क्वेश्चन करके आएंगे तो कितना मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन मार्किंग स्कीम के हिसाब से है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 द मेडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 70 ये फ्रीक्वेंसीज है इनका टोटल दिया हुआ है आपको 70 और इसमें से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये आपको फाइंड आउट करनी है और इसका मेडियन दिया हुआ है। तो देखिए फ्रीक्वेंसीज का हम टोटल करेंगे तो 55 प्लस ए प्लस बी प्लस 70 आ गया जहां से ए प्लस बी की वैल्यू 15 आ गई 55 का सब्स्टिट्यूट करने पर। मेडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू प्लस सी एफ ये माइनस सी एफ होता है
है ना, एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो आपको मेडियन क्लास का पता करना है। सबसे पहला मेडियन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 70 दी है। कितना दिया है, 70 हमको मेडियन दिया हुआ है। ठीक है भैया, नहीं 70 तो सम दिया हुआ है, मेडियन कितनी दी है, 16। तो 16 देखो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 16 हमारा 15 और 20 वाले डाटा के अंदर लाई करेगा, क्लास इंटरवल के अंदर जहां मेडियन दिया हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में यहां आपको मेडियन दिया है, तो मेडियन जो लाई कर रहा है वो हमारा 15 और 20 वाले मेडियन क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारा मेडियन क्लास क्या हो गया, 15 टू 20 हो गया। तो इस मेडियन क्लास का लोअर लिमिट एल होता है, लोअर लिमिट एल होता है। तो एल हमारा ये हो गया, ठीक है, 15। एन अपॉन टू, एन हमारा टोटल सम हो गया 70। सी एफ इससे जस्ट ऊपर वाला क्लास इंटरवल होता है, तो 24 प्लस ए, ये से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ये आ गया। और इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, ही दोनों क्लास इंटरवल्स का सम, क्लास साइज होता है, डिफरेंस जो निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, 1 मार्क्स में कितना हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना 1 मार्क्स का हो गया। हाफ मार्क्स में ए प्लस बी का हो गया, हाफ मार्क्स का फॉर्मूला हो गया, कितने हो गए, 2 नंबर हो गए, और बाद बाकी की फिर इसकी 1 नंबर में पूरा इसकी कैलकुलेशन हो गई। ऐसे करके 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल करके आएंगे तो 1 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइंस डिस्टेंट ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम इट्स बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। ओके, हाइट ऑफ द कैंडल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कैंडल है, यहां पर ये 2 कॉइन है अपने पास, ए और बी, ए डिस्टेंस पर है एक, दूसरा बी डिस्टेंस पर है। ये हमने यहां पर इसको मॉडिफाई कर दिया है, इस फिगर को, क्वेश्चन में तो ऐसे फिगर है, आप इसको अपनी आंसर सीट पर ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो, ऐसे इसको शो करा सकते हो। एक ए डिस्टेंस पर है, एक बी डिस्टेंस पर है, दोनों ही एंगल 30 और 60 डिग्री के बन रहे हैं। ये 30 डिग्री का, क्योंकि जो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा वो कम बनेगा, जितना ही नियरर होगा वो बड़ा एंगल बनेगा। 60 डिग्री का हो गया, क्लियर। अब दोनों में आप जो है ये लगा दीजिएगा, क्योंकि 10 लगेगा हमारा, कंडीशन सॉल्व कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, एच इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा यहाँ, ए बी रहेगा ओनली। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 4 क्वेश्चन और रह गए मेरे बच्चों, बस केवल 33। ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 33, 34, 35, 36, ये 3 क्वेश्चन 5 के, बाकी का 33 तक, ये भी 3 का ही है। मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। एफ एम माने मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ पी माने प्री मॉडल क्लास हो गया, इससे पहले वाले का, ठीक है ना। एफ एम को हमने यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और पी फॉर उससे प्रिसेडिंग वाला फ्रीक्वेंसी क्लास, ये हो गया। और एस माने सक्सीडिंग हो गया, एस फॉर सक्सीडिंग, उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्लास हो गई, मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका मोड का फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी वही मॉडल क्लास हो गया। अब यहां आपको ऑलरेडी मोड दिया हुआ है 67, तो मोड 67 किस क्लास में लाई करेगा भैया, इस वाली क्लास में लाई करेगा, तो हमारी फिर मॉडल क्लास यही रहेगी। तो ये एल हो जाएगा, ये एफ एम हो जाएगा, ये एफ पी हो गया, ये एफ एस हो गया, सिंपल और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 34, 35 एंड 36, ठीक है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर साइड, इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए, अपोजिट में, है ना।
चलिए, किसी रिवर के दोनों एंड्स पर 80 मीटर चौड़ी ये रिवर है। यहां से एक से एंगल इसका 30 का, दूसरे से एंगल 60 डिग्री का है। तो देखिए हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपने फिगर सही बना दिया है तो 2 मार्क्स का तो आपका फिगर है। अगर आपका फिगर गलत, कैलकुलेशन पूरी सही है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका फिगर सही है, 2 नंबर तो फिगर के कंपलसरी हो ही गए। बात बाकी की आपकी कैलकुलेशन जिस प्रकार से सही है, पूरी सही है तो पूरी, थोड़ी बहुत सही है थोड़ी बहुत, उस हिसाब से आपकी मार्किंग मिलता है। आप इसकी हाइट को h सपोज कर लीजिए, इक्वल हाइट है दोनों की। दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल है, तो दोनों की हाइट्स को हमने h h का सपोज कर लिया है। ठीक है, तो ये भी h और ये भी h, दोनों में आप लगा दीजिएगा। ओके, और फिर ये चलता हमारा रहेगा भैया इसी प्रकार से। ओके, चलिए अब आगे के लिए बेटा इसको आप एक बार नोट भी कर सकते हो चाहो तो, है ना, नोट कर लीजिए। आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं नोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये भी हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस बार दिया है, हालांकि मार्किंग स्कीम जो दे रखी है उसके हिसाब से, क्योंकि अब तो ये 13 नंबर का हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया। मैं समझता हूं ये एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा हो गया है। ये और वाला पोर्शन है, खैर इसका और वाला पोर्शन है, आप इसको भी समझ सकते हो इजी गोइंग तरीके से। चलिए देखिए, ये 34 का ही और वाला ऑप्शन है भैया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 एंड 60 डिग्री। देखिए 50 मीटर हाई एक कोई बिल्डिंग है जहां से ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ओके, ये 30 का, ये 60 का। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। हमने सपोज कर लिया हाइट ऑफ द टावर h मीटर हो गई, क्योंकि ये 50 का है तो फिर ये भी 50 का, तो ये कितने का बचेगा, h माइनस 50 का। डिस्टेंस सपोज कर लिया हमने x x का, तो ये यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन इसके टॉप का 30 का है, बॉटम का 60 डिग्री का है। सॉल्व कर लीजिए, एक और ट्राइंगल आर ए एस में लगा दीजिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला, और एक और ट्राइंगल आर बी टी में लगा दीजिएगा। सॉल्व कर लीजिए। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लो, यहां पर इसका जो फिगर दिया हुआ है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 नंबर का फिगर दिया है भैया। कितने का दिया है? 3 नंबर का फिगर दिया है। 1.5 नंबर की ये इसकी कैलकुलेशन है और आधा नंबर में इसका ये समप है। अब चेंज हो गया है, अब देखिए 3 नंबर का फिगर हो गया है। फिगर कितने का है? 3 मार्क्स का है। और इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस में मैं आपको फिर बता रहा हूं कंडीशन क्या होती है, कि अगर आपका फिगर सही है तो ही आपको नंबर मिलेंगे आगे के। फिगर आपका सही है, कैलकुलेशन आपकी मान लीजिए गलत हो भी जाती है, तो आपके 3 नंबर तो पक्के है ही। अगर आपने फिगर नहीं बनाया या फिगर आपने गलत बना दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में फिगर कंपलसरी है सही बनाना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तो आप सब लोग कर ही लेंगे, यहां से समझ भी लेंगे। आप इसकी मार्किंग स्कीम समझ लीजिए मुझसे। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड में निकालने वाला है, 0.5 मार्क्स में हो गया, आप इतना करके आते हो। क्योंकि यहां जो पूछ रहा है वो फ्लोइंग ऑफ वाटर जो पूछ रहा है, हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन द 1/2 आवर में पूछ रहा है, तो आप 1 सेकंड में, क्योंकि सेकंड में दे रखा है तो इतना आ गया भैया। ठीक है, 60 सेकंड में कितना आ गया? इतना आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितना हो गया? तो ये देखो, इसकी पूरी मैंने मार्किंग स्कीम यहाँ पर डिवाइडेशन किया है, तो आपको इसी हिसाब से ही ये जो इसमें दिया हुआ है उसको आप लिख देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा इसको समझना है सैंपल पेपर की इस वीडियो में, ये बहुत जरूरी है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी इसी प्रकार से होगा, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36।
समझ लीजिए, मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स इन द सेम टाइम। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करनी है और स्ट्रीम की भी स्पीड फाइंड आउट करनी है। दोनों की आप स्पीड सपोज कर लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड, यहां तक सपोज करना आपका 1.5 मार्क्स का हो गया। इक्वेशन दोनों के बना दिए, 1 मार्क्स का इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन बनाना तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 नंबर यहां तक हो गया। इसकी कैलकुलेशन होगी भैया 1.5 मार्क्स की, 4.5 नंबर आ जाएंगे, हाफ मार्क्स में दोनों का लास्ट में आंसर सम अप कर देना है। इस प्रकार से ये इसकी मार्किंग स्कीम रहेगी। सभी को नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।